नमस्कार, मैं अनुल चटर्जी एक बार फिर आपके सामने। आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए मुझे कि तान की स्पीड आकार में कैसे बढ़ाया जाता है। इसके लिए बहुत लोग मुझे पूछे, कुछ लोग पूछे कि दानेदार तान कैसे करते हैं। हालांकि तान दानेदार ही होते हैं, अदरवाइज दाना नहीं रहता है तो तान फ्लैट हो जाता है। तो ये तान को कोई कोई हम आकार तान भी बोलते हैं क्योंकि आकार से गाया जाता है। तो जो तान सरगम से गाया जाता है उसको सरगम तान बोलते हैं, और सरगम तान जब आकार से गाया जाता है तब उसको आकार तान बोलते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन वी सिंग आकार तान, वी डोंट सिंग द सरगम्स इन आवर माइंड। इट बिकम्स अ हैबिट कि राग के जो स्वर है उसके ऊपर से आना जाना आकार से, बिना जान के, बिना पहचान के कि मैं कौन से स्वर गा रहा हूँ, ये हम ऐसे ही आकार तान गाते हैं। लेकिन उसमें आकार तान का जो इम्पैक्ट, जो प्रिसिशन, वो नहीं बनता है। तो इसलिए व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग आकार तान, वी विल हैव टू कीप इन माइंड कि मन में सरगम तान पूरा रहना चाहिए। जिस सरगम हम गा रहे हैं उसी को हम आकार से गा रहे हैं। आकार से कुछ अलग चीज़ हम नहीं गा रहे, सरगम ही गा रहे। तो उसका पता रहना कि हम क्या गा रहे हैं। जैसे कि पगा पसा नी दा बा दा गा मा दा पगा मा रे सा, तो पगा पसा नी दा बा दा गा मा दा पगा मा रे सा। ये अगर हम देखेंगे तो तान साफ और प्रिसाइज्ड होगा। मगा मा पा मगा मा पा दा पा आ दबा दानी मागा मासा सानी दबा। तो मैं मन में सरगम ही गा रहा हूँ और आकार से बोल रहा हूँ। ये है सरगम तान और आकार तान में फर्क। एक्चुअली फर्क कुछ नहीं है, सरगम तान ही है आकार तान, लेकिन हम आकार से गा रहे हैं इसलिए इसको आकार तान या सिर्फ तान भी बोला जाता है। तो अभी क्वेश्चन है कि इसको हम कैसे रियाज करें और कैसे इसका स्पीड बढ़ाए। मैं आपको सजेशन दूंगा कि डोंट गो फॉर स्पीड फर्स्ट, बिकॉज स्पीड विल कम ऑटोमेटिकली। अगर बच्चा चलना सीखता है तो दौड़ना उसको आपसे आप मालूम हो जाता है, लेकिन चलना सीखने में ही थोड़ा टाइम लगता है। तो आकार तान भी या सरगम तान भी धीरे धीरे, पहले कम स्पीड में आप कीजिए। जब उसका स्वर दिखने लगेगा तब स्पीड अप से आप बढ़ेगा, रियाज करते करते बढ़ जाएगा। जैसे कि कोई भी हम एक तान लेते हैं कि सारे गामा सारे गामा सारे गामा पा दा नी सा। इट्स वेरी इजी तान कि सारे गामा सारे गामा सारे गामा पा दा नी सा, और इसका अवरोही होगा सा नी दा पा सा नी दा पा सा नी दा पा मा गा रे सा। तो सारे गामा सारे गामा सारे गामा पा दा नी सा सा नी दा पा सा नी दा पा सा नी दा पा मा गा रे सा। तो इसको हम मन में पहले बार बार सरगम को गा के बिठा लेंगे कि सारे गामा सारे गामा सारे गामा पा दा नी सा सा नी दा पा सा नी दा पा सा नी दा पा मा गा रे सा। ये एक एग्जांपल है, ऐसे नहीं कि बस इसी तान को करने से होगा। आप यू कैन मेक योर ओन तान, बट फर्स्ट यू थिंक कि इसको पूरी तरह मन में इसको बिठा ले। लिख के याद करने वाली चीज नहीं है, मन में बिठाने का चीज। सारे गामा सारे गामा सारे गामा पा दा नी सा सा नी दा पा सा नी दा पा सा नी दा पा मा गा रे सा। अभी धीरे धीरे इसका आकार देखिए। तो क्या हो रहा है, ये जो सारे, इसको हम सा को रे से डिफरेंशिएट करने के लिए बीच में एक एम्फेसिस यूज कर रहा है। इसी को बोलता है दाना। अगर दाना नहीं रहता तो होता अभी दाना देकर बोलेंगे ये एम्फेसिस इज ऑलमोस्ट विथ हा। तो धीरे धीरे हम जब रियाज करेंगे तो फोकस शुड बी कि हम हर एक स्वर पे दाना का जो वजन, जो एम्फेसिस वो दे रहे या नहीं, उस पे हमको ध्यान रहना चाहिए कि हा।
तो हम देख रहे हैं कि आ आ आ आ तो इसका अवरोही सा नी धा पा सा नी धा पा सा नी धा पा मा ग रे सा तो तो एक साथ अगर करेंगे मेरा सजेशन ये है कि जब आप आकारतान रियाज करें तो एक बार सरगम और एक बार आकार ये अल्टरनेट कीजिए, तब जाके आकार गाते वक्त मन में सरगम का जगह रह जाएगा। लाइक सारे गामा सारे गामा सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा सा नी धा पा सा नी धा पा मा ग रे सा आ सारे गामा सारे गामा सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा सा नी धा पा सा नी धा पा मा ग रे सा। अगर ये स्पीड भी ज्यादा लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्लो इट डाउन लाइक आ मेक श्योर कि हर एक स्वर पे ये दाना लग रहा है। फिर एक तान को बहुत दफे करना पड़ता है, दिस इज द मेन की। दो बार चार बार नहीं, दो बार चार बार करने से कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट 300 से 400 बार तो करना ही पड़ता है एक तान। अब डर मत जाइए 300-400 सुन के, क्योंकि 300 बार करने में आपको लगता है 15 से 20 मिनट तक मैक्सिमम, लेकिन इसको करके आप फिर उसका रिजल्ट आप देखिए कि सारे गामा सारे गामा सारे गामा पा धा नी सा नी धा पा सा नी धा पा सा नी धा पा मा ग रे सा आ रियाज करते करते जब स्पीड बढ़ेगा तब सारे गामा सारे गामा सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा सा नी धा पा सा नी धा पा मा ग रे सा आ एक चीज आपको मैं बोलना चाहता हूं कि जब लय कम है तब ये दाना का एम्फेसिस या वजन जितना होगा उससे उससे जब स्पीड बढ़ता है उससे वजन थोड़ा कम होता है, दिस इज नेचुरल थिंग। मानिए कि आपके पीठ में एक 20 किलो का बोझ है और वो बोझ लेकर आप 10 किलोमीटर स्पीड में दौड़ सकते हैं। अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो बोझ हल्का करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं दौड़ पाएंगे। तो आ, 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 आ जो स्पीड यहाँ से हम बोल रहे हैं तो आ, 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 आ देखिए स्पीड में ऊपर की स्पीड में दाना का वजन मैंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, नहीं तो स्पीड बढ़ेगा नहीं, आ अच्छा भी नहीं लगता है सुनने में। तो आ सारे गामा सारे गामा सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा सा नी धा पा सा नी धा पा मा ग रे सा। अब मेट्रोनम जो मिलता है उसका एक इस्तेमाल कीजिए, अभी मोबाइल पे भी इस मेट्रोनम का ऐप आता है, आप देखिए कि कौन सी टेम्पो में आप सबसे कंफर्टेबली गा सकते हैं, तो उसी टेम्पो में आप 15 मिनट रियाज कीजिए, उसके बाद उससे टेम्पो थोड़ा बढ़ा के और 5-7 मिनट रियाज कीजिए, तो देखेंगे कि उस 5 मिनट के जो टेम्पो है उसमें थोड़ा अनकंफर्ट लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसको 5 मिनट रियाज कीजिए, लेकिन मैक्सिमम रियाज जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें कीजिए, तब क्या होगा धीरे धीरे वो जो 5 मिनट का टाइम है वो कंफर्टेबल होने लगेंगे, फिर उसी टेम्पो से आप 15 मिनट दूसरे दिन रियाज कीजिए और उससे थोड़ा ज़्यादा टेम्पो में 5 मिनट, दिस इज द लॉ। और करते करते स्पीड बढ़ता है, ऐसा कोई नहीं है कि मैं कुछ दवाई दे दिया आपने खाली और तुरंत स्पीड में तान होता है, ऐसा नहीं है।
इसको थोड़ा थोड़ा करके स्पीड बढ़ाना पड़ता है और मॉनिटर करना पड़ता है मेट्रोनोम के, अभी मेरा 130 में जा रहा है तो मेरा टारगेट शुड बी बाय नेक्स्ट वीक आई विल बी डूइंग एट 160, 180। ऐसे करते करते मैंने देखा कि जो लोग प्रोफेशनली गाते हैं और बहुत अच्छे तान बोलते हैं उन लोग भी 260 इतने टेम्पो पर BPM बीट्स पर मिनट 260 BPM तक गाते हैं, और एक एक बीट में दो दो करके स्वर रखना पड़ता है। दिस इज द लाइक इफ टक 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 टक, ये टेम्पो है तो ऐसा नहीं कि सा रे गा मा, ऐसा नहीं है, सा रे गा मा पा धा नी सा, यह है द करेक्ट वे टू प्रैक्टिस। लाइक सा रे गा मा, सा रे गा मा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा, सा नी दा पा, सा नी दा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा, सा रे गा मा, सा रे गा मा पा धा नी सा। और इसमें एक बात हम बोलना चाहते हैं कि ये तो आपको बहुत दफे रियाज करना पड़ेगा, तो तब जाके आप देखेंगे कि सांस खत्म हो जा रहा है कि कहाँ मैं हम सांस लूँ, क्योंकि सांस का तो एक लिमिटेशन रहता है कि हाँ इतना तक मुझे आराम से गा पाते हैं। तो नियम है जब आपकी सांस खत्म होता है तो आप आराम से सांस लीजिए, लेकिन तान को काटिए मत, आप वो मन में गाते रहिए। लाइक सा रे गा मा, सा रे गा मा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा, सा नी दा पा, सा नी दा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा तो सा नी दा पा मा गा रे सा, ये पार्ट मैंने साइलेंट रखा, क्यों? उस टाइम मैंने सांस ले रहे थे, कोई जल्दबाजी नहीं कि सारे गामा सारे गामा सारे गामा, ऐसे जल्दबाजी में सांस मत लीजिए, आराम से, क्योंकि आपको लंबा समय तक गाना है। आप ऐसे कम सांस लेकर अगर ज्यादा गाएंगे तो आपके वोकल कॉर्ड में स्ट्रेन आएगा, तो टेक योर टाइम, बट वो लय, वो तान की साइकिल, वो मन में जाना है। जितना तक वो तान गए हैं वहां से आप फिर ज्वाइन कीजिए, बाकी साइलेंट रख के सांस ले लीजिए। तो मैं 4-5 बार आपके सामने रियाज कर रहा हूँ ताकि आपको मालूम पड़े कि सा रे गा मा, सा रे गा मा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा, सा नी दा पा, सा नी दा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा, सा रे गा मा, सा नी दा पा, सा नी दा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा, सा रे गा मा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा, सा नी दा पा, सा नी दा पा मा गा रे सा। तो दिस इज द करेक्ट प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिसिंग आकार। ऐसे करते 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 स्पीड अप से बढ़ता है, थोड़ा 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 करके, कोशिश करके। सा रे गा मा, सा रे गा मा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा, सा नी दा पा, सा नी दा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा, सा रे गा मा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा, सा रे गा मा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा, सा नी दा पा, सा नी दा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा, सा रे गा मा, तो आप देखिए आप जितना रियाज करेंगे उतना स्पीड आपको आएगा। और एक चीज मैं बोल रहा हूं, डोंट एवर प्रैक्टिस विद हारमोनियम बाय प्लेइंग इट। हारमोनियम बजा के सारेगामा 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 पा धा नी सा, सा नी दा पा, सा नी दा पा, तो मालूम नहीं पड़ेगा कि आपका सुर में हो रहा है या नहीं, आपके हर एक नोट पे दाना लग रहा है कि नहीं, ये हारमोनियम आपको सुनने नहीं देगा। हारमोनियम विल ऑलवेज मेक यू फील कम्फर्टेबल कि हाँ हाँ आप जो कर रहे हैं अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन सच्चाई के सामने लाकर कभी आपको खड़े नहीं करते, जो कि तानपुरा करता है। तानपुरा आपको बोल देगा कि नहीं देखो तुमका तुम्हारा बेसुरा हो रहा है, तुम्हारे तान के दाना स्लिप हो रहा है, उसको ठीक करो। तो तानपुरा मैनुअल तानपुरा अगर हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, फिर उसको ट्यूनिंग करना, उसको प्लेइंग वो भी सीखना है, वो सीखकर हाथ में तानपुरा लेकर आप रियाज कीजिए तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। अगर ना हो घर पे तो इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा आप यूज़ कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा के साथ
एक चीज बार 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 बार, ये तो मैंने एक तान बोला, ये तान कुछ भी अब बनाइए, सापा म गए रेगा म प सा रेगा म प धा नि सा, तो सापा म गए रेगा म प सा रेगा म प धा नि सा, पा सा नि धा बा म गए रे सा नि धा पा म गए रे सा, तो क्या बोला, सापा म गए रेगा म प सा रेगा म प धा नि सा, पा सा नि धा पा म गए रे सा नि धा पा म गए रे सा, तो आ ये अगर मन में स्वर ना चले तो इसका आप कर ही नहीं पाएंगे। आ सा मगर रेगा मा सा रेगा मा धा नि सा पा सा नि धा पा मा गा रे सा नि धा पा मा गा रे सा, तो सारे 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 गा मा सा रेगा मा धा नि सा नि सा नि सा नि धा पा सा नि धा पा मा गा रे सा। तो मन में सरगम चलना, दिस इज अ मैंडेटरी थिंग विच यू डोंट डू, गाते रहते हैं लेकिन क्या स्वर उसका मालूम नहीं है, मालूम होना चाहिए। पदा नहीं सा मागा पसा नहीं दबा मागा रेसा, धनी नहीं पादा था मापा रेगा मापा धनी सा, मामा का माता था माता नहीं धनी सा नहीं दबा, पागा का रेसा नहीं पादी रेसा नहीं दबा मापा धनी सा। तो जो कि मैं आकाश से गा रहा हूँ उसका स्वर मेरे मन में चल रहा है, आई एम ट्राइंग टू सी द नोट्स व्हेन आई एम सिंगिंग आकार। इसको करने से तान का प्रिसिशन और तान का स्पीड दोनों बढ़ता है। जैसे कि हम सरगम बोल रहे हैं, पमा गा रेगा मा बा रे बा पमा गा रेगा मा बा धा मा धा धा बा धा रेगा रेगा मा बा रे बा पमा सा रेगा मा बा धा बा धा धा पमा गा रेगा मा बा धा नि मामा गा पा सा सा नि धा बा धा धा रेगा मा बा धा बा सा धा धा बा धा बा रेगा मा बा गा मा रे सा। इसको आप रियाज कीजिए और हासिल कीजिए, और कभी भी हारमोनियम के साथ नहीं, कभी भी हारमोनियम के साथ नहीं। कोई जगह अगर कन्फ्यूजन हो रहा है सुर का तो बजा के देख लीजिए, बट डोंट प्रैक्टिस विथ हारमोनियम। ये चीज एक ही तान, आप कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तान करने का जरूरत नहीं, आप पाधा 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 नी नी इतना बना लीजिए, पाधा 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 नी नी, दिस मच विल डू द सेम इफेक्ट विथ लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड तान, पाधा 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 नी नी आ पाधा 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 नी नी आ पाधा 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 नी नी आ, बट द पॉइंट इज प्रैक्टिस द सेम थिंग फॉर सेवरल टाइम, सेवरल हंड्रेड टाइम्स, सेवरल थाउजेंड टाइम्स। This is the key of achieving good taan and good speed, good precision. इसको आप रियाज कीजिए और इसका फल आप रियलाइज कीजिए, इसको आप एक्सपीरियंस कीजिए। तो फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही बोल रहा हूँ, और इसको करते रहिए, क्योंकि गाने बजाने में बोलने का चीज़ बहुत कम होता है, करने का चीज़ ज़्यादा होता है, और जानने से कुछ नहीं होता है कि मुझे मालूम है, मालूम होने से क्या है, उसको करके अचीव करना, बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिकल आर्ट, इसको अचीव करना पड़ता है। और जब आप मेहनत करके कुछ चीज अचीव करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही दूसरे किस्म का होगा, कुछ डर नहीं रहेंगे कि हाँ, क्योंकि हम मैंने रियाज करके हासिल किया। तो जानने से, सीखने से ये कुछ नहीं होता अंटिल यू प्रैक्टिस। So my earnest request to all of you, just sit with the Tanpura and go on practicing, 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 because that's the only source of achieving excellence. आप कीजिए, कोई भी question, कोई भी मन में confusion हो, you ask me and make your own taan and practice it alternatively, one sargam and with one akar. And whenever you are singing akar, ask yourself whether I know what the notes I am singing, मुझे क्या मालूम है कि मैं कौन से स्वर गा रहा हूँ। If the answer is no, then वो तान रियाज करके कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो you do that and have very musical time ahead. Thank you so much.